even get some cause. Hey, what's up guys, this is your boy Sumit Pethani. Guys, I'm back again with a new video. Guys, I hope you all are doing absolutely great. तो गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी लास्ट एक वीक से वीडियो नहीं आए थे बिकॉज एक छोटा सा काम आ गया था अपने पास. तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ. तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं मलबार हिल्स. मलबार हिल्स एक वीआईपी एरिया है क्योंकि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग हैं उनका वहाँ पे घर है, तो ऑब्वियसली ये वीआईपी एरिया है. एंड हम वहाँ पे जा रहे हैं हैंगिंग गार्डन. तो हैंगिंग गार्डन एक प्लेस है, अगर आप 90s के किड हो तो आपको पता होगा कि हैंगिंग गार्डन क्या है. बिकॉज हैंगिंग गार्डन एक इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है कि अगर आपके रिलेटिव्स गांव से आ रहे हैं तो वही एक प्लेस होता था जो लोग लेके जाते थे. तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ बाइक में, तो मैं अकेला हूँ तो ऑब्वियसली कोई शूट करने वाला नहीं है, हम बाइक में तो शूट करेंगे नहीं. तो हाँ गाइज, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाइक से, तो मैं अभी आपको मिलता हूँ सीधा हैंगिंग गार्डन पहुँच के. तो या लेट्स गो. गाइज मैं हैंगिंग गार्डन पहुंच चुका हूं, जस्ट ही पहुंचा हूं मैं, और बाइक हमने इधर पार्क कर दिया है. एंड या गाइज तो अब हम अंदर जाते हैं. तो मुझे बाइक से आने के लिए कम से कम 1 आवर लगा. तो या गाइज तो अब हम अंदर जाते हैं एंड फिर देखते क्या होता है. तो या फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो बहुत डिफरेंट रहेगा, बट लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग. तो गाइज हम पहुंच गए, अभी के टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं आप देख सकते हो ऊपर. हाँ तो यस गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हैंगिंग गार्डन के अंदर. एंड अगर देखने में जाए तो यहाँ से बहुत बड़ा दिख रहा है गार्डन. आपको मैं एक दिखाता हूँ, एक स्नीक पिक दिखाता हूँ यहाँ से. गाइज हम हैंगिंग गार्डन तो आ गए, तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हम हैंगिंग गार्डन आना चाहते हैं तो आप कैसे आएंगे. तो अगर मैं तो बाइक से आया हूँ, लेकिन अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप ग्रांड रोड स्टेशन उतरिए. ग्रांड रोड स्टेशन से आपको बस मिलेगी 42 नंबर की, तो आप वहाँ से बाहर से बस ले सकते हैं या 42 नंबर की, या तो आपको ग्रांड रोड स्टेशन से टैक्सी भी मिलेगा तो आप टैक्सी करके आ सकते हैं. और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस भी समथिंग 15 to 20 minutes का भी है, तो अगर आप वॉकिंग आना चाहे तो वॉकिंग भी आ सकते हैं. तो या गाइज अब हम देखते हैं गार्डन में क्या है. एंड हाँ चलो, इस गार्डन के बीचों बीच एक शेड बनाया है जो ट्री रूट से बनाया हुआ है. एंड आप देख सकते हो वो ट्री जो रूट है वो अलाइव है, मतलब ये बढ़ते जाता है. मैंने एक जन से पूछा तो ये जो रूट्स है वो बढ़ते जाता है. एंड जैसे जैसे वो रूट्स बढ़ते जाता है ये लोग वो एरिया कवर करते जाते हैं. तो अगर समझो पहले ये रूट्स इधर तक था एंड फिर वो रूट बढ़ते गया एंड देन वो लोग ने एरिया भी बढ़ाते गए. तो आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल बनाया है. एंड और जो ये ट्रीज है पूरा अलाइव है. एंड या देख सकते हो पूरा ग्रीन है. या व्हाट्स अप गाइस, तो गाइस हमने देख लिया पूरा हमने हैंगिंग गार्डन देख लिया विच इज़ नोन एज कमला नेहरू पार्क. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कहूँगा मेरा, तो हमने देखा ग्रीनरी जो यहाँ पे फुल मेंटेन करके रखा है वो है ग्रीनरी. आप पूरे गार्डन में झाड़ पेड़ पौधे वही देखोगे और बाकी कुछ भी नहीं है. अगर
आप प्लान कर रहे हो वन डे ट्रिप आने का मीन्स यहाँ पे, तो मैं कहूँगा कि आप मॉर्निंग में आओ और आप रात तक भी आपका जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे एंड बहुत मज़ा आएगा। अगर आप एक जगह पे बैठ जा रहे हो तो फिर आप यहाँ से उठने का भी आपको मन नहीं होगा। तो हाँ गाइज, यही था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस विथ हैंगिंग गार्डन। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये प्लेस। मैं फिर कभी चाहूँगा कि मेरे पास ऐसा फ्री टाइम हो तो कभी मैं यहाँ आके बैठूँ, बिकॉज जो एनवायरनमेंट है आजू बाजू का बहुत बहुत हेल्दी है एंड बहुत मज़ा आया मेरे को। एंड तो बस गाइज, हम निकल रहे हैं हैंगिंग गार्डन से एंड बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, तो आप आओ यहाँ पे तो ज़रूर आना। एंड हाँ गाइज, तो मैंने यहाँ पे पूछा तो यहाँ पे एक प्रियादर्शनी पार्क भी है जिसके बारे में मैंने भी बहुत सुना है, उसको मिनी गोवा भी बोलते हैं एंड वो बीच से कनेक्टेड है, तो देखते हैं हम वहाँ चलते हैं। और यहाँ से एक बाबुलनाथ टेम्पल भी है शिव जी का, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। गाइज हम बाहर आ चुके हैं एंड यहाँ से प्रियादर्शनी पार्क कुछ 5 या 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो अभी फिर से गुलू गुलू करना पड़ेगा एंड चलते हैं एंड देखते हैं। गाइस तो हम लोग आ चुके हैं प्रियादर्शनी पार्क एंड वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। मैंने मुंबई में इतना ब्यूटीफुल प्लेस नहीं देखा है, तो आप भी कभी आ रहे हो मलबार हिल्स तो आप ज़रूर आए। मेरे को लगता है ये मलबार हिल्स लोकल पब्लिक के लिए गार्डन है, बिकॉज बाहर बोर्ड था मलबार कॉलोनी या समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ, बिकॉज आप देख सकते हो मेरे आगे बहुत ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। हाँ बस मैं बैठा हूँ इसके बाजू में। गाइज क्या आप मेरे को बता सकते हो ये क्या चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ ट्री, यहाँ पे लिखा हुआ ट्री आप देख सकते हो भाई, ये किस हिसाब का ट्री है आप? वाओ तो हम क्या करते हैं वहाँ पे जाते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं वहाँ पे एंड फिर देखते क्या करना है, ठीक है? तो अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मैं गिर जाऊँगा उधर से उधर से, तो पहले वहाँ पहुँचते हैं। तो गाइज ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत 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 ही ब्यूटीफुल प्लेस है गाइज। एंड आप बॉम्बे की हेक्टिक लाइफ में अपना एक संडे यहाँ स्पेंड करोगे तो कम्प्लीटली वर्थ इट है गाइज। आप अपना एक दिन निकाल के यहाँ पे आइए, आई एम गारंटी यू गाइज आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड या फैमिली प्लेस है एंड बीच भी है, वेरी पीसफुल प्लेस। तो या गाइज, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना एक दिन निकाल के यहाँ पे जरूर आइए। सो हैंगिंग गार्डन से कुछ 5 to 6 मिनट्स का ही वॉकिंग डिस्टेंस है, तो अगर आप वहाँ से वॉकिंग भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, इतना दूर नहीं है कोई। अब यहाँ देख रहे हो यहाँ पीछे आंटी लोग बैठे यहाँ पे, हाँ तो दे आर प्लेइंग हाउजी, सब ओल्ड ओल्ड एंटियाँ सब मिलके हाउस ही खेल रहे हैं। इज़ लाइक कोई एक दो जन नहीं है वहाँ पे, मिनिमम 13 to 14 क्या बात है, मज़ा आता है।
हाँ गाइज, इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप जब भी मलबार हिल्स आ रहे हो तो प्रियादर्शनी पार्क और हैंगिंग गार्डन ज़रूर 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 आना। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत पीसफुल जगह है, एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छा खासा व्यू है, एंड फोटोशूट भी अच्छा हो सकता है। हाँ, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और वो पर्सनल एक्सेस तो आपको पता ही होगा, पता है ना, एक सब्सक्राइब के बाद में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जब भी आऊँगा सिर्फ आपको दिखाऊंगा। टिल देन, इट्स योर बॉय सुमित पेथानी, साइनिंग आउट, बाय बाय। मलबारी से आ रहे हो तो ज़रूर आना, हमने सनसेट मिस कर दिया है तो आप मत कर। या लेट्स गो।